नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए साइंस की थ्योरी एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी को 3 पार्ट में कवर कर लिया है। आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या न्यूट्रिशन या पोषक क्या होता है। पोषक, चूंकि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उनको भोजन चाहिए। इस भोजन से उनको क्या मिलती है, एनर्जी। और इस भोजन में कई कंपोनेंट होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसमें स्मॉल अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं तो इन फूड सब्सटेंस में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं, क्योंकि इनको भूख खाने के बाद ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो अब हम पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे। फूड टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन या पोषक कहलाता है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता सभी को होती है। इसमें से कुछ होते हैं जैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य सहित कई प्राणी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो इस आधार पे जो न्यूट्रिशन होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोस्तों ऑटो का मतलब होता है, सेल्फ। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। सेल्फ का मतलब होना ऑर्गेनिज्म। मेक फूड देमसेल्फ मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना खाना खुद ही बनाता है फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल है प्लांट और एल्गी। चूंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जितने भी प्लांट होते हैं, और एल्गी होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में पौधे क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहती है, इसमें ये अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब ही होता है दोस्तों, हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रोट्रॉफिक को हिंदी में क्या कहते हैं, विषमपोषी। अभी मैंने बताया हेट्रो का मतलब ही होता है अदर, तो इसका मतलब एनिमल हो गए और अदर ऑर्गेनिज्म। ये किस पे डिपेंड रहते हैं, जो फूड प्रिपेयर्ड होता है, किसके द्वारा, फूड प्रिपेयर्ड होता है प्लांट के द्वारा, उस पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम इसके बाद देखेंगे सेल। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल की बनी होती है। आप ये देख रहे होंगे, ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाया है। सेल कि जो आउटर बाउंड्री होती है वो इनक्लोज, किससे सेल इनक्लोज होता है, ये सेल इनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और इसके पास आप देख रहे होंगे ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये सेल में पाया जाता है। और न्यूक्लियस के आसपास आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हम पढ़ते हैं कि सेल किससे इनक्लोज, सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके सेंटर में क्या होता है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किससे घिरा होता है, न्यूक्लियस घिरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों अभी मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में चर्चा की थी कि जो प्लांट होते हैं और एल्गी होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उसमें मैंने बताया था उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है जिसकी सहायता से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अब हम उसी के उसमें आगे बढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश की प्रेजेंस में। फोटो संश्लेषण का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्या करता है, ये जो लीव्स होता है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ सनलाइट को। तो सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। चूंकि हमको किससे मतलब है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल से मतलब है, तो ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अलावा अदर पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन को इसको देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ किसकी, सनलाइट क्लोरोफिल, इससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होगी। एक नोट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि सन क्या है। अगर कोई ये पूछे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है, सन। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये सनलाइट है, ये लीव्स जो है ये एटमॉस्फेयर से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं। चूंकि लीव्स में क्या होता है, ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही लीव्स ग्रीन होती हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट मिल गया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो ये ले ही लेती हैं। इसके बाद फूड की सिंथेसिस करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। चूंकि अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस में। तो मैंने इसका एग्जाम्पल क्लास 6 में बताया था कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, चूंकि डिजर्ट में क्या होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट कैसे करते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो या तो उसमें पत्तियां एब्सेंट होती हैं या वो इस तरह के कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो थिक हो जाता है, और इन थिक स्टेम से ही इनके जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस किन प्लांट में होता है, तो ये डिजर्ट प्लांट में जो है ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपने किसी तालाब में या कहीं पानी बहुत लंबे समय तक रुक जाता हो तो वहां देखा होगा कि ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, जो बहुत स्लाइमी मतलब ये बहुत फिसलने वाले पैचेस होते हैं। ये पैचेस वहां क्यों बन जाते हैं, ये पैचेस वहां इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पे ग्रोथ ऑफ एल्गी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जनरली जो पैचेस होते हैं ग्रीन पैचेस, वो ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी से होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में होती हैं, ये क्यों होती हैं, ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से होती हैं। चूंकि इसमें मैंने बताया कि एल्गी क्या कंटेन करती हैं, ये क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, इस वजह से एल्गी जो होता है ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, यही क्लोरोफिल इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या है दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधे अपना भोजन किस तरह बनाते हैं? जितने भी प्लांट होते हैं वो जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? इसके लिए क्या होते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं सो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में और उसको रिलीज कर देते हैं सॉइल में। इसके बाद जो ये प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को वाटर के साथ। इस तरीके से प्लांट को क्या मिल जाती है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पौधे जो है वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं। इसके बाद प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रूट ऑफ सर्टेन लेग्यूम प्लांट जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, इन सब में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल फॉर्म, जिसकी वजह से इन पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है ग्राम और पी को। और ग्राम और पी क्या करते हैं, ये जो है बैक्टीरिया को जो है भोजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, सिम्बायोसिस रिलेशन इन दोनों में पाया जाता है, क्योंकि इससे दोनों को लाभ होता है। बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ये जो पौधे होते हैं ग्राम पी बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं। चूंकि अभी हमने बताया कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो पैरासाइट होता है, जिसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वो कौन सा पौधा है, कस्कुटा प्लांट जिसे अमरबेल कहते हैं। ये जो कस्कुटा प्लांट है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये कस्कुटा अमरबेल का एक प्लांट है। ये किस पे फैला हुआ है, ये एक होस्ट प्लांट है। ये अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पे ये फैले होते हैं। आप देख रहे होंगे ये कस्कुटा का पौधा है, ये पूरी तरीके से एक पौधा है जिसे आप कह सकते हैं जिस पे ये फैले होते हैं उसे होस्ट कहते हैं। इसी से ये पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे पैरासाइट प्लांट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है। पैरासाइट प्लांट जो है वो कस्कुटा या अमरबेल का पौधा है, इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंसेक्टिबोरस प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिबोरस प्लांट कौन से होते हैं, इंसेक्टिबोरस नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों इंसेक्ट को खाने वाले पौधे होते होंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा इंसेक्टिबोरस प्लांट। इनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, पिचर लाइक स्ट्रक्चर। आप ये देख रहे होंगे ये इनकी पूरी लीव्स है, ये किस में मॉडिफाइड हो गई है, पिचर। और जो अपेक्स है लीफ का, ये लीव्स का अपेक्स है, वो क्या बना रहा है, वो एक ढक्कन बना लेता है जिसे लिड कहते हैं। ये क्या करता है, ये माउथ को, जो पिचर का माउथ है इसको ओपन, ये जो माउथ है पिचर का ये लिड इसको ओपन और क्लोज करता है। जब इंसेक्ट कहाँ आता है, जब इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर में, मान लो इस पिक्चर पे कोई इंसेक्ट आया तो ये जो लिड होती है ये क्लोज हो जाती है, ये लिड क्या करती है, ये क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है इसमें ट्रैप कर जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इंसेक्ट जो होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट होगा किससे, पिक्चर से, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लीव्स जो इंसेक्टिबोरस प्लांट की होती हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं, पिचर लाइक स्ट्रक्चर। और जो लीव्स का अपेक्स होता है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, लिड में। अभी हमने बताया इसका जो अपेक्स होता है लीव्स का वो मॉडिफाइड हो जाता है लिड में, जो इस पिक्चर के माउथ को ओपन या क्लोज करता है। जब इंसेक्ट इस पे आके बैठता है तो ये लिड जो होती है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है। तो इसका ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिबोरस प्लांट के एग्जांपल बीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा सनड्यू प्लांट, इसे कहते हैं ड्रोसेरा को। तो ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा इंसेक्टिबोरस प्लांट का। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जो सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं सड़े गले चीजों से, उसे ही कहते हैं सेप्रोट्रॉफ या मृत जीवी। इसे क्या कहते हैं, मृत जीवी। मृत जीवी मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे सेप्रोट्रॉफ या मृत जीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल फंजाई होता है, कवक। ये इंपॉर्टेंट है, सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल कौन सा है, कवक। कवक क्या होते हैं, ये सड़ी गली चीजों पर उगते हैं और उससे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम दोस्तों एक रिलेशनशिप बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सिंबायोसिस रिलेशनशिप किस किस के बीच में पाया जाता है, तो आप इसका एग्जाम्पल याद रखिए। ये लाइकेन में पाया जाता है, राइजोबियम एंड रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है। अब सिंबायोसिस क्या है दोस्तों, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों जातियों को क्या हो, दोनों जातियों को फायदा होता है। फायदा होता है, ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है, सिंबायोसिस। इसका एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखिएगा, लाइकेन में ये पाया जाता है, राइजोबियम एंड रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है, दलहनी पौधों में, उसकी जड़ों में। तो अब एग्जाम्पल लाइकेन कैसे ये रिलेशनशिप शो करता है, तो जो लाइकेन होता है इसमें क्या होता है, एल्गी होता है और फंजाई होता है। अभी मैंने बताया था एल्गी क्या करता है, एल्गी अपना खाना खुद बनाता है, प्रिपेयर फूड। और फंजाई क्या करता है, अब इसको आप देखिए, फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं। फंजाई इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल, मतलब रहने की जगह है, और वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल प्रोवाइड करेगा, इसको एल्गी को प्रोवाइड करता है फंजाई। और एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी इसको प्रोवाइड करता है फूड। तो इस तरीके से दोनों को फायदा हो रहा है, फंजाई प्रोवाइड कर रहा है उसको रहने की जगह, वाटर और मिनरल एल्गी को, और एल्गी क्या करता है, एल्गी खुद खाना बनाता है और फंजाई को देता है। इस तरह से दोनों को फायदा हो रहा है। और राइजोबियम और रूट ऑफ ग्राम में, इन दोनों में कैसे सिंबायोसिस रिलेशनशिप है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चूंकि हम सभी जानते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, इसलिए वो कहाँ रहता है, वो रहता है रूट ऑफ ग्राम में और पी में। चूंकि ये इनको क्या प्रोवाइड करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। जो चना हो गई, दाल हो गई, उनको, उन पौधों को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन देता है। और उसके बदले में पौधे उन्हें क्या देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और रहने की जगह देते हैं बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों को फायदा हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फर्टिलाइजर और जो खाद होती है इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं, एनपीके। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन दोस्तों इसके पहले मैंने 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से पूरा डाइजेशन बताया है। इस लेक्चर में हम डाइजेशन उतना ही बताएंगे जितना क्लास 7 के एनसीईआरटी में है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड और डिटेल में जाना हो तो आप पुराने वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं जो इस प्लेलिस्ट में चैनल के पड़ी हुई है। तो हम डाइजेशन पढ़ते हैं दोस्तों। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन किसका, जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन। मान लो ये जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, इसको किसमें, इसको सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, यही कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और उससे एसोसिएटेड वेरियस ग्लैंड होती हैं, जैसे हमारी लार ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, हमारा यकृत हो गया, यकृत हो गया और अग्नाशय, अग्नाशय हो गया। ये ग्लैंड पाई जाती है। और जो ये हमारी आहार नाल हो, ये आहार नाल हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ से और एंड किस में होती है, एंड होती है एनस में, एनस में। तो दोस्तों हमारा जो आहार नाल होता है वो स्टार्ट किससे होता है, माउथ से, माउथ से। माउथ के बाद क्या होता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो स्टार्ट हुआ माउथ से, माउथ से बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से क्या हुआ, ये फेरिंग्स हुआ, फेरिंग से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से जाता है स्टमक से, स्टमक से ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडेनम, डिओडेनम फिर ये जेजुनम, फिर ये पूरा इलियम, इलियम फिर किसमें होगा, सीकम, सीकम फिर कोलन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग फिर रेक्टम, फिर इसके बाद जो है एनस, एनस में जाके हमारी आहार नाल एंड हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पाचन के कितने चरण होते हैं। इंजेशन का मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण पहले भोजन को मुंह में लिया, फिर उसका क्या होता है, फिर उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ये किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद इसका क्या होता है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, इसके बाद इसका क्या होता है, इजेशन। इजेशन का मतलब जितने भी वेस्ट हैं, वेस्ट हैं, वेस्ट सब्सटेंस है उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से फीसेस के रूप में, इसे कहते हैं इजेशन। तो 5 स्टेप हैं डाइजेशन के, आप याद रखिएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। दोस्तों अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। टीथ, टीथ का दोस्तों जो बाहरी भाग होता है, टीथ का जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है, बाहरी भाग बना होता है इनेमल का। इनेमल का ये क्या है, ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और जो टीथ का भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है वो किसका बना होता है, भीतरी भाग बना होता है डेंटाइन का, डेंटाइन का। जो टीथ होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप के होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ये संख्या में 20 होते हैं, 20 होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, मिल्क टीथ हो गए। फिर कौन सा टीथ होता है, परमानेंट, परमानेंट टीथ होता है, इनकी संख्या 12 होती है, ये जीवन में कितनी बार निकलते हैं, जीवन में 1 बार निकलते हैं, ये कितनी बार निकलते हैं, 1 बार निकलते हैं। दोस्तों डेंटल फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, डेंटल फार्मूला जो चाइल्ड का होता है वो होता है 2102, 2102, 2102, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। और जो एडल्ट का होता है, एडल्ट का होता है डेंटल फार्मूला 2123, 2123, 2123, 2123। इंसीजर का काम होता है किसी चीज को काटना और कैनाइन का फाड़ना, ये मांसाहारियों में बहुत बड़ा होता है। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है उसको चबाना, भोजन को। तो चाइल्ड में डेंटल फार्मूला बच्चों में कितना होता है 2102, 2102, और एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होता है 2123, 2123। अब हम देखेंगे दोस्तों टूथ डीके क्या होता है। चूंकि नॉर्मली बैक्टीरिया जो होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। जब हम अपने दांत को और अपने मुंह को बहुत अच्छे से साफ रखते हैं खाने के बाद, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। यदि हम इनको टीथ को और माउथ को खाने के बाद साफ ना करें, तो ये बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट है, शुगर, उसको क्या करता है, उसको तोड़ता है और रिलीज क्या करता है, रिलीज करता है एसिड। और ये एसिड जो होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, धीरे धीरे करके हमारे दांतों को डैमेज कर देता है। इसी को कहते हैं टूथ डिके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा टूथ डिके कैसे होता है। दोस्तों हमने बक्कल कैविटी में क्या पढ़ लिया, बक्कल कैविटी में टीथ पढ़ लिया। इसके बाद हम टंग पढ़ेंगे और इसमें हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टीथ के बारे में पढ़ लिया। टंग क्या है, टंग एक हमारा मस्कुलर आर्गन है दोस्तों। यह अटैच होता है बैक से एट द फ्लोर, आप किससे, बक्कल कैविटी से। ये हमारी टंग हो गई। इसपे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं कुछ उभरे हुए, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें पैपिली कहते हैं, पैपिली कहते हैं। ये पैपिली क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है टेस्ट बड, टेस्ट बड। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि टंग के हम अग्रभाग से हमें किस स्वाद का पता चलता है, तो हमें इससे मीठे का पता चलता है जो अग्रपार्श है, इससे सॉल्टी नेचर का पता चलता है। और ये जो पश्च पार्श्व भाग है, इससे हमें खट्टे का पता चलता है। और ये जो पीछे वाला भाग है, इससे हमें तीखे का पता चलता है, किससे, तीखे का पता चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टीथ के हमें अग्रभाग से मीठे का पता चलता है, अग्रपार्श्व से हमें सॉल्टी नेचर का, और पश्च पार्श्व से हमें खट्टा का, और पास से हमें जो है तीखे का पता चलता है। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आप इसमें इतना जानिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मम्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल इन्फेक्शन अगर पैरोटिड ग्लैंड में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मम्स या गलसुआ। अब सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है, इससे क्या निकलता है दोस्तों, इससे लार निकलता है। लार में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है जो सैलिवरी एमाइलेज होता है। और क्या होता है इसमें, लार में हमारे लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और जो ये सैलिवरी एमाइलेज है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है स्टार्च जो हमारे माउथ में है, मंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, इसको किस में कन्वर्ट करना, इसको शुगर में कन्वर्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। तो हमारे माउथ में किसका डाइजेशन होता है, मंड का डाइजेशन होता है। 30% शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। जो हम भोजन लेते हैं अपने माउथ में, तो हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड से निकला हुआ स्लाइबा या लार होता है, वो हमारे भोजन में बहुत अच्छे से मिलता है। और ये माउथ में क्या होता है, भोजन को किस में, बोलस में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भोजन माउथ से किसमें, बक्कल कैविटी में, जिसमें ये बोलस में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके बाद फैरिंग्स और इसोफेगस से होते हुए ये स्टमक में पहुंचता है। तो जो ये हमारा इसोफेगस होता है ये कितना 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। अब दोस्तों जो भोजन होता है वो माउथ में बोलस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद ये इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में हमारे क्या होती है, स्टमक में हमारे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक में। हमारा जो आमाशय होता है इसके पाइलोरिक पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और ये क्या सिक्रीट करती है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस सिक्रीट करती हैं। तो हम देखते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक्सल होती है। ये क्या करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। और जो पेप्टिक या चीफ सेल होती है, चीफ सेल ये क्या करती है, सिक्रीट करती हैं प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन। और जो ये पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होती हैं इसमें ये क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं एससीएल एंड कैस्टल। इंट्रिंसिक फैक्टर ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। चूँकि दोस्तों हमने भोजन जो खाया वो हमारे माउथ में बोलस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो वहाँ से इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया। स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसमें उस दौरान क्या होता है, इसमें उस दौरान गैस्ट्रिक जूस भोजन में हमारे मिलता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको काइम में कन्वर्ट करता है। तो भोजन जो बोलस के फॉर्म में था वो हमारे पेट में किसमें, आमाशय में, वो काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि जो अभी हमने बताया कि जो पेराइटल होती है क्या ऑक्जेंटिक सेल होती है, इनसे क्या निकलता है, एससीएल, और पेप्टिक या चीफ सेल से क्या निकलता है, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन। तो जो ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जो पेप्टिक या चीफ सेल से एससीएल निकला, इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। पेप्सिन ये किस पे काम करता है, ये प्रोटीन पे वर्क करता है। पेप्सिन प्रोटीन पे वर्क करके इसको प्रोटीओसेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेस हमारे होती है स्टमक में। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, इनके 3 पार्ट होते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जो दोस्तों हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये हाईली क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है। और इसकी लंबाई जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कितनी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये रिसीव करती है सिक्रीशन किससे, लीवर से और पैंक्रियास से। और इसकी वॉल भी खुद एंजाइम सिक्रीट करती है। चूंकि ये हाईली क्वाइल्ड होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, डिओडेनम जिसे क्या कहते हैं, ग्रहणी, डिओडेनम, जेजुनम और कौन सा पार्ट होता है इसका, इलियम। चूंकि हमने बताया कि ये एंजाइम किससे रिसीव करती है, लीवर से भी और पैंक्रियास से। तो हम पहले देखते हैं लीवर से कौन से एंजाइम ये रिसीव करेगी। चूंकि लीवर में क्या होता है दोस्तों, पित्त पित्त का क्या होता है फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पित्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इसका स्टोरेज कहाँ होता है पित्त का, तो इसका स्टोरेज होता है गाल, गाल ब्लैडर में। पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है दोस्तों? पित्त का स्टोरेज जो होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों पित्त में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पाचन में मदद करती है। किसके? पित्त पाचन में किसके मदद करती है? पित्त हेल्प करती है डाइजेशन में। किसके? स्पेशली किसके? फैट के पाचन में ये मदद करती है, फैट के पाचन में मदद करती है। इसको जरूर याद रखिएगा कि पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह पाचन में मदद करती है। किसके? स्पेशली फैट के पाचन में यह मदद करती है। और जो ये पाचन होता है फैट का, इसके द्वारा इसे क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लीवर देख लिया। अब हम देखेंगे कि पैंक्रियास, पैंक्रियास से कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो इससे लाइपेज एंजाइम निकलता है, लाइपेज एंजाइम निकलता है। ये किसका पाचन करता है? ये फैट का पाचन करता है। लाइपेज एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है। ये पाचन स्टार्च या मंड का करता है। और इससे क्या निकलता है? इससे ट्रिप्सिन निकलता है। ये किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। चूंकि जो अग्नाशय होता है इसमें प्रोटीन, फैट और स्टार्च या मंड तीनों का पाचन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कंप्लीट एंजाइम कहते हैं, कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। इसके बाद जो बची हुई चीजें होती है, चूंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इन दोनों से सिक्रेशन रिसीव करती है, तो मैक्सिमम चीजों का डाइजेशन इनके द्वारा हो जाता है। इसके बाद के जो सब्सटेंस बचते हैं उस पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम वर्क करते हैं, उनको और स्मॉलर उस पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम वर्क करते हैं उस फूड सब्सटेंस पे, और उनको और सरल पदार्थों के रूप में तोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम भोजन का पाचन कहाँ होता है? मैक्सिमम जो भोजन है, भोजन है इसका पाचन कहाँ होता है? ये इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम भोजन का पाचन, अभी आपने देखा कि स्टमक में केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा था और उधर माउथ में केवल स्टार्च का 30% हो रहा था। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम भोजन का पाचन कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? का अवशोषण ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? जेजुनम एंड इलियम रीजन में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? जेजुनम और इलियम रीजन में। लार्ज इंटेस्टाइन के दोस्तों मैंने पार्ट बता दिया था, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इसमें क्या? इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। और जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं वो इसमें कुछ समय तक स्टोर रहते हैं। इसके बाद ये इजेशन के द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या डाइजेशन जो होता है वो ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे होता है। जो घास होती है दोस्तों, ग्रास, वो किसमें, इसमें क्या होता है? इसमें सेलुलोज बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि ये जो गाय भैंस होती है, ये जो घास खाती है इसको तेजी से क्या करती है? इसको तेजी से निगल जाती है। और इसको स्टोर कहाँ करती है? इसको स्टोर करती है ये जो पेट का पार्ट है रूमेन, इसमें वो स्टोर कर लेती है। चूंकि रूमेन में क्या होता है? रूमेन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फूड को बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको कड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद ये कड जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है ये इनके माउथ में स्मॉल लंप के रूप में धीरे धीरे आता है और एनिमल इसको लगातार चबाता रहता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको रूमिनेशन कहते हैं। और एनिमल क्या कहलाता है? एनिमल कहलाता है रूमिनेंट एनिमल। हम दोस्तों क्या है डाइजेशन एंड फीडिंग इन अमीबा। चूंकि हम सभी जानते हैं अमीबा क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली अपने शेप और पोजीशन को चेंज करता है। इसके पास क्या होते हैं? एक से अधिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं, जो क्या करता है, जो मदद करता है उनके चलने में और फूड को पकड़ने में। और फूड जो पकड़ता है वो ट्रैप किस में हो जाता है? वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में और कन्वर्ट करते हैं फूड को सिंपलर फॉर्म में। क्या आप देख रहे होंगे स्यूडोपोडिया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट। ये किस में मदद करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस में मदद करता है? इनके मूवमेंट में एंड कैप्चर ऑफ फूड। जब फूड को वो पकड़ लेता है तो फूड किस में ट्रैप हो जाता है? ये फूड ट्रैप हो जाता है। ये जो फूड वैक्यूल है इसमें ये फूड ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप हो जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव जूस इस फूड वैक्यूल में सिक्रीट होते हैं और फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो इजेस्टेड बेस होता है वो बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी के 2 पार्ट को अच्छे से कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल को आज अच्छे से पढ़ा है। और कल की वीडियो में हम इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।